अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपको बताऊंगी कि वो ऑयल जिसमें हमने फिश फ्राई की होती है या फिश पकाई होती है उसको हम दोबारा से यूज में कैसे ला सकते हैं। इसके लिए मेरे पास वो ऑयल है जिसमें मैंने फिश फ्राई की थी। इस ऑयल को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, इसको मैंने छान लिया है। इसके अलावा एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने स्लाइसेस कर लिए, इतने ज्यादा थिन भी नहीं है और इतने ज्यादा मोटे भी नहीं है। यहाँ पे जो ऑयल है वो हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, इसको गर्म नहीं होने देना, ऐसे ही इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, प्याज के जो स्लाइसेस हैं वो डाल देंगे। आप जब इस ऑयल ये रेडी हो जाएगा तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकती हैं, बिल्कुल फिश की स्मेल नहीं आएगी। अब हमने जो अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है प्याजों को, और हीट हमारी मीडियम रहेगी, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं करना। इसको हमने स्टर करते रहना है, और ये ना सारे जो प्याज हैं उनको एक जैसा कलर आना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं से जल जाए और कहीं से कुछ और हो जाए। यहाँ पे होगा क्या कि जो प्याज है वो सारी जो हीट है फिश की या जो फिश की स्मेल है वो अपने अंदर खींच लेगा, और ऑयल में से वो सारी हीट वो स्मेल निकल जाएगी। और जब ये अपने अंदर खींच लेगा सारी स्मेल, सारी हीट खींच लेगा, तो फिर ये उस वक्त ब्राउन हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, डार्क। तो फिर हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और ये फिर काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। यहाँ पे ये गोल्डन होना शुरू हो गई है, बल्कि काफी ये गोल्डन हो गई है। स्टेज पे काफी केयरफुल रहना है। वहां पे मैंने एक साफ सुथरी खुश्क वोक भी रेडी की हुई है ताकि मैं उसमें इसको स्ट्रेन कर लूं। बस ये हो गया, अभी हम इसको स्ट्रेन करेंगे। यहाँ ये हमारी वोक रेडी है, हमारा ऑयल रेडी है, हम इसको स्ट्रेन करेंगे। अब ये जो आपका ऑयल है, ये जो वोक में है, ये प्याज जो है ये तो आपको डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, ये आप कहीं नहीं यूज कर सकती। लेकिन ये जो ऑयल है अभी ये आपका काबिल इस्तेमाल ऑयल है, आप इसको जिस चीज में मर्जी यूज करें, आपको बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी फिश की। ये अब बिल्कुल हमारा जो ऑयल है ये फिश की इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है, ये रेडी है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप मेरी पसंद आई होगी। आप ज़रूर इसको फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको इससे फ़ायदा होता है या नहीं, कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।